कोसीकला में भाजपाइयों ने भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया और खुशहाली रैली निकाली जिसमें दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1952 में जनसंघ के रूप में हुई, जिसके संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। भारतीय जनसंघ हिंदूवादी संगठन के रूप में उभर कर आई, जो राजनीति में भी अपना दमखम दिखाने लगी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे थे। कुछ समय बाद नाम में परिवर्तन किया गया और जनसंघ से जनता पार्टी हुई, जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में चली। फिर एक बार और नाम परिवर्तन किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में स्थापित हुई और पार्टी को स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जिम्मेदारी से सींचा और पार्टी अपनी छवि एक हिंदू पार्टी के रूप में बनाती चली गई। कई बार पार्टी की गठबंधन की सरकार भी केंद्र में बनी, जिसमें एक बार अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिर गई। दोबारा से अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सरकार चलाई। लगातार दो बार सरकार बनी, फिर सपा ने बढ़त लेते हुए अपनी सरकार बनाई। भाजपा को एक नई रीढ़ मिली। नरेंद्र सिंह मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही एक संजीवनी मिली और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और सभी को पछाड़ दूसरी बार भी परचम लहराया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पूरे देश में 6 अप्रैल को सुशासन के रूप में मनाया गया, जिसमें बोलते हुए धर्मवीर शर्मा ने यह बताया। माननीय अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में इस हिंदू राष्ट्र की नींव के लिए, राम मंदिर के लिए, धारा 370 के लिए, जो ये मुद्दे तो पहले भी थे जनसंघ के जमाने से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी 370 के ही लिए हुआ था, लेकिन वो धार, वो जनता में संदेश हम नहीं दे पा रहे थे। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में नई शैली का रुख अख्तियार किया, राम मंदिर आंदोलन को धार दी। और सभी जानते हैं कि ठीक है, उन लोगों के समय में शायद हमें सीटें ना मिली हों, लेकिन जनता में हम लोकप्रिय रहते थे। जनता में हमारे नेताओं को सुनने के लिए माननीय अटल जी को आज तक भी लोग याद करते हैं। भाजपाइयों ने तरुण सेठ एवं हुकुम अग्रवाल के नेतृत्व में खुशहाल रैली निकाली, जिसमें भानु प्रताप सिंह, दिनेश गिरिराज वाल्मीकि, सीमा अग्रवाल, हरिमोहन सैनी, कन्हैयालाल गोयल आदि लोग मौजूद थे। भाजपाइयों ने नगरपालिका परिसर स्थित दीनदयाल पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया एवं मोदी योगी की कार्यशैली का गुणगान किया।